एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल यूनिट टेक हब। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के रिजल्ट्स के बारे में। तो जैसे कि आपको हमने बताया था कि रिजल्ट्स आने के चांसेस अभी जून के फर्स्ट वीक में हैं, लेकिन जामिया ने सडन चेंज किया है और अपना रिजल्ट पब्लिश कर दिए हैं। रिजल्ट्स पब्लिश हुए हैं जिनका पेपर स्टार्टिंग में हुआ था एकदम, जो मास कम्युनिकेशन एमए कन्वर्जन जर्नलिज्म और एमए डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के लिए जिन्होंने फॉर्म फिल किया था उनका रिजल्ट आ चुका है। वो यहाँ से चेक कर सकते हैं एडमिशन रिजल्ट से। मैंने आपको बताया था कि इनका यहाँ पर आइकन है, आप यहाँ से चेक कर सकते हो। ये एडमिशन रिजल्ट वाले पे आप जाएंगे तो आप अपना कोर्स टाइप सेलेक्ट करेंगे, मास्टर्स कोर्स नेम सेलेक्ट कीजिए, आपका मास कम्युनिकेशन का रिजल्ट आ चुका है टी सॉरी अभी आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे इनकी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स कॉल फॉर ऑनलाइन इंटरव्यू आ चुका है, यहाँ इस लिंक से आप व्यू कर सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने इंटरव्यू की डेट दी हुई है और ये इंटरव्यू ऑनलाइन होने वाला है। बाकी यहाँ पे कुछ इन्होंने पीडीएफ्स डॉक्यूमेंट्स बोले हैं जो उनको चाहिए, पोर्टफोलियो जो उनको चाहिए, उसके बाद ये है सिलेक्शन की लिस्ट। इसके अलावा एमए कन्वर्जन जर्नलिज्म और एमए डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का भी रिज़ल्ट आ चुका है। और बाकी जिसमें मास्टर्स के फॉर्म फिल किए थे एमए मीडिया गवर्नेंस, वो भी सब भी अपने एक बार रिजल्ट्स चेक कर सकते हैं। वैसे हम आपको चेक करके बता देते हैं कि किस किस के रिजल्ट्स बाकी आ गए हैं। अगर हम एमए मीडिया गवर्नेंस की बात करें तो देखिए इनका रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है। यहाँ पर मीडिया गवर्नेंस की बात कर रही हूँ मैं, उनका रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है। विजुअल इफ़ेक्ट्स या एनिमेशन में सर्च करेंगे तो आप उनका रिज़ल्ट आ चुका है। तो इस तरह कुछ कोर्सेज़ के रिज़ल्ट आए हैं और कुछ के नहीं। ये वो कोर्सेज़ हैं जिनके एकदम स्टार्टिंग में एंट्रेंस हुए थे अप्रैल में, तो आप चेक कर लीजिएगा। अगर आपका एंट्रेंस अप्रैल में हुआ है तो आप भी अपना रिज़ल्ट ज़रूर चेक कर लेंगे। दैट वॉज इट फॉर द वीडियो। थैंक यू।